हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पवार, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आऊँ तारागढ़ दरगाह, जो कि हम अभी पैदल रास्ते पे चलेंगे। पैदल रास्ते के अंदर एक करिश्माई पत्थर है, जो कि ख्वाजा साहब नवाज पट्टी से अपने जादूगर था जयपाल, उसने लुढ़काया था। और ख्वाजा साहब ने उसको अपने दो उंगली एक घोड़े की चाबुक के ऊपर रोका है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस पत्थर के पास लेके चल रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अभी करिश्माई पत्थर की ज़ियारत करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो कच्चा रास्ता जिस रास्ते से अभी हम आए हैं। और फ्रेंड्स, इसी कच्चे रास्ते से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये पहाड़ी काट के रास्ता बनाया हुआ है, कोई ऊपर आने का या कोई गाड़ी वगैरह लाने का कोई साधन है नहीं। तो जैसे कि ये कच्चा रास्ता है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कच्चा रास्ता नीचे जा रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आप करिश्माई जो पत्थर है उसकी ज़ियारत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्किप करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि पत्थर कहाँ चला गया। तो फ्रेंड्स, वैसे एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर भी नज़ारा है यहाँ का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये कितना रास्ता बस काफ़ी ख़राब है, इस रास्ते पे आराम से चलना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक अपने कच्चे रास्ते के अंदर छोटी छोटी काफ़ी दुकानें भी हैं, जिसके अंदर आपको ताबीज़, अंगूठी, चमत्कारी ताबीज वगैरह मिलेंगे, जैसे कि आपको ये दिख रही होगी दुकान। फ्रेंड्स, आते टाइम आप प्यासे नहीं रह सकते, क्योंकि आगे कोल्ड ड्रिंक की दुकान भी है, लेकिन सर्दी में जितना पीजिए, नहीं तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ खाने पीने की दुकानें वगैरह सब कुछ है। फ्रेंड्स, ये कच्चे रास्ते में है, जो कि दरगाह से नीचे उतर रहा है। और अगर आप नीचे की तरफ से आते हैं, तो जो अपने ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो कि दरगाह बाजार एरिया कहलाता है, उस रहा है। और मेरे साथ में मेरा भाई तरुण सिंह, जिसका चैनल सीताउल हेल्प ही हुआ है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, आप वीडियो को भी देखिए, काफ़ी अच्छे वीडियो रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने दिख रही होगी फ्रेंड्स, यहाँ फ़ोटो खिंचाने की भी जगह है। ये देखिए, ऊँट और घोड़े ऊपर। अभी हमने ही फ़ोटो खिंचाया, मैं आपको एक फ़ोटो भी, ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो स्किप ना करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पहाड़ी है और ये कच्चे रास्ते के अंदर है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और जैसे कि मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि अभी हम इस रास्ते से आए, और अब इस रास्ते में हमको नीचे जाना है। फ्रेंड्स, हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, और जैसे कि मैं आपको ऊपर का सीन दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, हम कितना ऊपर से कितना नीचे आ चुके हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पता है कि हम आज जो जादुई पत्थर है उसकी ज़ियारत करने आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये वो पत्थर है, अभी हम इसके नीचे चलते हैं। अभी हम ऊपर वाले रास्ते पे हैं इसके, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे कि वाइट वाइट कलर का पत्थर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। ऊपर जाने में बस एक ही चढ़ने का, बस है इतनी जल्दी पत्थर, आधे घंटे बैठना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये है वो पत्थर। हाँ, हमारी अम्मी नहीं, हमारी मम्मी है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये
पत्थर के पास बिल्कुल आ चुके हैं। ये वो पत्थर है, चप्पल जूता छोड़ के सलामी कर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको जादुई पत्थर, जो करिश्माई पत्थर है, उसकी जियारत कराई, और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका लिंक सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब घर की ओर चलते हैं, और प्लीज़ फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नीचे रास्ता जा रहा है, ये नीचे दरगाह की तरफ रास्ता जा रहा है, ऊपर तारागढ़ दरगाह है, नीचे भी दरगाह है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं।